अभी भी पैकिंग करो कभी भी। तो अभी चल रही पैकिंग, परसों है ट्रेन और फिर मैं निकलूंगा यहाँ से, नहीं बताऊंगा। व्लॉग देखते रहो, पता चल जाएगा। बैग नंबर 1 50% कम्प्लीट, बैग नंबर 2 100% कम्प्लीट, बैग नंबर 3 अब इसमें खाना पीना पानी वानी रखने, और इसमें भी अभी कुछ कुछ सामान रखने। वैसे पैकिंग तो हो गई है लेकिन परसों जहाँ जाना है वहाँ का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 20 जनवरी। अभी मम्मी पेड़ों में पानी डाल रही है और मैं अभी जाऊंगा वॉक पे। वॉक से वापस आने के बाद आज करनी है थोड़ी बहुत पैकिंग क्योंकि परसों मैं निकल रहा हूँ कहीं। वैसे ये करना भी जरूरी रहता है, अभी भी अपना घर का सफाई करो कभी भी, हमारा मम्मी के जैसा अभी भी। लेकिन वॉक पे जाने से पहले हमको ब्रश करना मांगती, हम अभी सो के उठती ब्रश नहीं की। अभी भी हमारा छोटा बिरादर रोज की तरह आज भी सो रही होती, अभी भी कौन सा नशा करती। तो अभी मैं जाऊंगा वॉक पे, लेकिन वॉक पे जाने से पहले मम्मी ने कहा गुड़ खा लो, तो गुड़ खा के जाते हैं। वैसे मैं खाली पेट जाने वाला था, गुड़ खा के पानी पी के चल जाओ। अभी भी गुड़ का लुफ्ट उतारती कभी भी। तो मम्मी ले रही है यहाँ पे धूप और मैं भी जा रहा हूँ वॉक पे। तो सुबह सुबह अपने घर के बरामदे में आती है अच्छी धूप, तो मम्मी बैठ के ले रही है धूप और मैं जा रहा हूँ वॉक पे। अभी भी वॉक पे जाओ कभी भी, सुबह सुबह कुछ नहीं तो कम से कम वॉक तो कर ही लेना चाहिए। तो अगर डेली लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो कम से कम वॉक किया करो, वॉक करके अच्छा लगता है एंड प्रोडक्टिव रहता है डे, काम भी होते हैं जल्दी और मन भी लगता है काम करने में। अभी भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो कभी भी, अभी घर जाना है बहुत सारा काम करना है। कल मैं थोड़ा आलस कर गया, कल मैंने ब्लॉग ट्रिम नहीं किया, आज बहुत सारा काम है, ब्लॉग को पूरा एडिट करना है और पैकिंग भी करनी है क्योंकि परसों मेरे को जाना है। तो वॉक करके मैं आ चुका हूँ घर वापस, अब करना है थोड़ा सा एक्सरसाइज और उसके बाद ब्लॉग एडिट। अभी भी बहुत ज्यादा ब्लॉग एडिट करना होती। वर्कआउट में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स एंड थोड़ा सा प्लैंक वैंक एंड एब्स, ताकि सारी मसल्स थोड़े थोड़े बने रहे। वैसे भी मैं मोटू हो गया हूँ। थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ा सा वॉक करके भी स्टार्ट करो तो धीरे धीरे थोड़ा फर्क पड़ता है। मेरे को लगभग एक हफ्ता हो गया और अभी मेरा टाइमिंग लगभग आधे घंटे का हो गया। मैं आधा घंटा मतलब वॉक मिला के प्लस एक्सरसाइज मिला के 45 मिनट तो ही जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रूटीन हो गया और ये कंटिन्यू करना है बस। डेली वर्कआउट ज़रूरी है, कुछ नहीं तो कम से कम वॉक तो ज़रूरी है। अभी भी वर्कआउट करो कभी भी। अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करने और भाई अभी सो रहा है, थोड़ी देर में उठेगा। उठ जाता हूँ, उठ जा, अभी भी जागो कभी भी। तो व्लॉग एडिट करते करते मुझे लगे लगभग 1.5 घंटे और पिछले आधे घंटे से मेरा दूध रखा हुआ है, मम्मी और भाई चाय पी रहे हैं और मैं पी रहा हूँ दूध। अभी भी हमारा शेरनी का दूध और उसके साथ हमारा हाइड एंड सीक बिस्किट, मम्मी और भाई का चाय और उसके साथ चकना। तो 1.5 घंटा तो लगा सिर्फ बड़े ब्लॉग को एडिट करने में, अभी मिनी ब्लॉग को एडिट करना बाकी है। प्लस हमने साथ में कल कुछ कॉमेडी वीडियोस भी शूट किए थे जो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालता हूँ, तो वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर करना, वो भी जल्दी आएंगे, उनको भी एडिट कर ही लेता हूँ। फुटेज खत्म करनी है, फुटेज खत्म करो जल्दी, फुटेज कंज्यूम करो। एक चीज समझ में आई कि जितना फुटेज लेते हो उसको तुरंत तुरंत एडिट करके डाल दो, नहीं तो फिर बहुत लंबा पड़ा रह जाता है और फिर बहुत लेट हो जाता है। तो भाई अभी बनाने जा रहा है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बना रहा है मैकरोनी। किस टाइप का बनाएगा, व्हाइट सॉस, रेड सॉस या इंडियन सॉस? तो ब्रेकफास्ट बन के रेडी है और अभी मैकरोनी बिक रही बहुत ही अच्छी, खा के बताता हूँ टेस्टी है नहीं। बढ़िया। वीडियो एडिट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मेरे को अभी नहाना भी है, तो मैं पहले कर रहा हूँ वीडियोस को शेड्यूल, जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में वीडियोस शेड्यूल हो जाएंगे और फिर मैं घुसूंगा नहाने। तो भाई अभी गया छत पे पतंग उड़ाने के लिए और मैं भी जा रहा हूँ भाई के पास, थोड़ा सा उड़ाते हैं पतंग, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। तो मैं और भाई हैं छत पे और हम उड़ा रहे हैं पतंग, वैसे भाई उड़ा रहे हैं पतंग, मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। और थोड़ा हवा धीरे धीरे चल रही लेकिन उड़ाने में मज़ा तो आएगी पतंग। वैसे पतंग काफ़ी दूर तक तो जा चुकी है, हमारा धागा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो अभी एक और नीचे धागा मिलेगा तो उसमें लगाएंगे, नहीं अदरवाइज इसी में उड़ा के काम चलाएंगे। तो 5 मिनट के अंदर ही हवा लुल हो गई तो पतंग अपने आप नीचे आ गई। ये अब उलझने वाला सीन हो रहा है, पीछे धागा उलझता है तो बड़ी दिक्कत होती है। हवा तो नहीं चल रही लेकिन भाई फिर भी ट्राई कर रहा है कि पतंग उड़ जाए। हो गया, हवा नहीं चल रही, मेरा मन भर गया, बस और नहीं उड़ाना पतंग, मैं जा रहा हूँ नहाने। आज बहुत लेट हो गया नहाने में, जल्दी से नहाने घुसता हूँ। नहाना धोना हो गया, पूजा हो गई और अब करने जा रहा हूँ मैं लंच। लंच में बना है आलू के पराठे, टमाटर की चटनी विद अचार, तो मैं करता हूँ लंच। आप करो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। अभी भी गरम गरम आलू का पराठा खाओ कभी भी। तो मैं और भाई जा रहे हैं अभी वॉक पे, बज रहे हैं शाम के 6:30 और वॉक करके आएंगे। फिर मेरे को करनी है पैकिंग, पैकिंग में सुबह से बोल रहा हूँ लेकिन अभी तक चालू नहीं किया, अब चालू करूंगा पैकिंग करना वापस आके। परसों जाना है भाई। तो वॉक करके आ चुके हम लोग घर वापस, करीबन 20 मिनट हम लोग वॉक किए, अब हम लोग करने जा रहे हैं कपड़े की छटाई और पैकिंग। तो ये रहा बैग नंबर 1, इसका लॉक नहीं खुल रहा है, और ये रहा बैग नंबर 2 जिसमें कम सामान, लैपटॉप, और फिर सबसे बड़ा बैग मेरा बैग नंबर 3, मेरा प्यारा बैकपैक। तो बैग तो छट गए, भाई कोशिश कर रहा है लॉक खोलने की, अगर काम किया तो ठीक, नहीं किया तो देखा जाएगा। तो बैग तो निकाल दिए, अब निकालना है कपड़े और भाई तब तक ट्राई कर रहा है कि लॉक
का कोड मिल जाए। तो कोड मिल गया फाइनली, भाई ने खोल दिया। मेरे भाई जैसा कोई हार्ड डिश नहीं है। अभी भी पैकिंग करो कभी भी। तो अभी चल रही पैकिंग, परसों है ट्रेन और फिर मैं निकलूंगा यहाँ से, नहीं बताऊंगा। व्लॉग देखते रहो, पता चल जाएगा। तो सामान तो काफी सारा रखा है, 3 बैग है। अब देखते हैं सामान फिट होता है कि नहीं। अब धीरे धीरे करके एडजस्ट करना है, अभी काफी कुछ है जो निकालना है। लैपटॉप रखना है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ फाइल्स रखनी है, तो सबके लिए भी जगह बनाना है, प्लस सारा सामान पैक करना है। तो मैं करता हूँ पैकिंग, आप करो लाइक एंड सब्सक्राइब। 1 घंटा हो चुका है, पैकिंग अभी भी कंटिन्यू है। आधा ज्यादा सामान पैक हो गया, थोड़ा सा और पैक करना है। बैग नंबर 1 50% कम्प्लीट, बैग नंबर 2 100% कम्प्लीट, बैग नंबर 3 इसमें खाना पीना पानी वानी रखने, और इसमें भी अभी कुछ कुछ सामान रखने। तो पिछले 1.5 घंटे से मैं पैकिंग ही कर रहा था, अब थक चुका हूँ। अब जो भी पैकिंग करनी होगी कल करूंगा या फिर परसों। वैसे पैकिंग तो हो गई है, लेकिन परसों जहाँ जाना है वहाँ का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं वो कंफर्म होता है कि नहीं, उसके बाद पता चलेगा कि जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। 1.5 घंटा पैकिंग करने के बाद मेरा मूड हुआ कि एक बार और वॉक करके आया जाए, लेकिन वॉक पे नहीं जा रहे अपन, अपन जा रहे हैं मार्केट। वैसे वॉक करते करते जा रहे हैं मार्केट, और वहां से लेंगे सब्जियां, और सब्जी लेके आ जाएंगे वापस घर, और फिर बनेगा पुलाव, पुलाव बनेगा और उसमें पुलाव खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। अभी भी सब्जियां लेने निकलो कभी भी। तो मैं और भाई जा रहे हैं सब्जी लेने, वॉक करके जाएंगे और जल्दी सब्जी लेके आएंगे। थोड़ा 20-25 मिनट का वॉक भी हो जाएगा और सब्जियां भी आ जाएंगी। चलो वाओ, सब्जी लेने चलो वाओ। 10 रुपए धागा। तो सब्जियां लेके मैं और भाई आ गए घर वापस, और अब बनेगा मटर पुलाव, और मटर पुलाव खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो आप भी सो जाओ, मिलते हैं कल शाम को, और मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखते हुए जरूर जाना। चलो अभी भी सब्सक्राइब करो कभी भी। मैं भी बैठा था ब्लॉग एडिट करने, लेकिन ब्लॉग एडिट करने की जगह मैं कहने लगा स्टोरी शेयर और हर जगह कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और फिर उतने देर में खाना भी बन गया। तो अभी खाना है 1-1 आलू का पराठा, और उसके बाद खाना है मटर का पुलाव। लेकिन भाई पुलाव तो चावल का होता है ना। मटर पुलाव खाओ चुपचाप सो जाओ, गर्मा गर्म मटर पुलाव खाओ चुपचाप सो जाओ। तो इस व्लॉग को एडिट करते करते बच चुके हैं रात के 1:30। अब मिलते हैं कल शाम को, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं कल शायद बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो कल का व्लॉग भी याद से जरूर देखना। मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी चेक करो। मिलते हैं कल शाम को। अभी भी सब्सक्राइब करो कभी भी।